तेलंगाना बीजेपी की क्यादत में आज उस वक्त तब्दीली देखने को मिली जब पार्टी हाईकमान ने मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी का नया सदर मुकर किया जबकि हजूराबाद एम एल एटला को पार्टी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का अहदा दिया गया है वाज हो के पिछले एक माह से तेलंगाना बीजेपी में खुलेआम लड़ाई और लीडरान की जानब से सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते हुए एक दूसरे को तनखीद का निशाना बनाया जा रहा था इसके अलावा कई सीनियर लीडरों ने बंडी संजय के काम करने के अंदाज पर भी नाराज़गी का इजहार किया था अगरचे पार्टी क्यादत ने पहले बंडी संजय की जगह किसी और को लेने या मंतखब करने की खबर को इनकार कर दिया था ताहम आज मंगल को पार्टी ने किशन रेड्डी के नाम का ऐलान करते हुए उन्हें तेलंगाना बीजेपी सदर की जिम्मेदारी सौंपी इस दरमियान खबर ये भी सामने आई है कि बंडी संजय ने दिल्ली में पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद तेलंगाना बीजेपी के सरबरा के अहदे से अपना इस्तीफा दे दिया